पेट्रोल सहित गृहस्थी का सामान लोडिंग वाहन में लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला, पति की मौत के बाद ससुराली जन नहीं दे रहे हिस्सा। जिले के करेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम फतेहपुर में पति की मौत के बाद महिला और उसके बच्चे को ससुराली जन हिस्सा नहीं दे रहे हैं। बार बार प्रताड़ित होकर महिला आज एसपी ऑफिस पेट्रोल लेकर पहुंची, जहां उसने आत्महत्या करने की बात कही। जानकारी के अनुसार राजकुमारी स्वर्गीय रिंकू शिवहरे ग्राम फतेहपुर थाना करेरा ने बताया कि मेरे पति स्वर्गीय रिंकू शिवहरे पुत्र पूरन प्रसाद शराब की दुकान मार्की महू दुकान पुलिस थाना सिरही तहसील बमोरी जिला गुना में काम करते हैं। 6 सितंबर को मार की महू शराब की दुकान पर स्टाफ ने पति के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते उसका सिर में चोट आई और रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। जयरोग अस्पताल ग्वालियर में 26 सितंबर को उसकी मौत हो गई। महिला ने बताया कि पति की मौत के बाद लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और मारपीट करते हैं। साथ ही घनश्याम शिवहरे ने महेंद्र सिंह को 5 लाख राजीनामा दिए। इसकी शिकायत आज करेरा थाने में की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 3 सितंबर 2024 को जेठ महेंद्र शिवहरे, उसकी पुत्री कामिनी शिवहरे और पत्नी मिथिलेश शिवहरे, पत्नी गजेंद्र शिवहरे, पत्नी छोटे लाल ने सार्वजनिक रूप से मारपीट की और अपमानित भी किया। साथ ही मुझे पागल घोषित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वह जमीन मुझे ऐसा ना दे पाए और अभी तक मेरे पति की जमीन का हिस्सा हम लोगों को नहीं दिया। मैं और मेरे 3 बच्चे हैं, उनका गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। सुनवाई न होने के चलते आज महिला बच्चों के साथ अनलोडिंग वाहन में गृहस्थी का सामान सहित बोतल में पेट्रोल लेकर एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने आत्महत्या करने की बात कही, जहां पुलिस ने आश्वासन दिया और कार्रवाई करने की बात कही। क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमारी शिवहरे। कहां से आए हो? फतेहपुर करेरा से, कड़ीजा के पास में फतेहपुर। क्या समस्या लेके? मेरे ससुराल वाले मारपीट कर रहे हैं, 3 महीना हो गया, ना थाने वाले कोई सुन रहा है, एसपी ऑफिस भी 10 बार आ चुकी हूं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मुझे भगा देते हैं, हर बार जो सामान लेके आई हूं, ना मुझे कोई हिस्सा दे रहा है, ना कुछ भी दे रहा है। मेरे खेत में 3 बच्ची है, मैं काय से पाड़ी में तो यही मर रही हूं आग लगा के। मेरा कोई भी ये नहीं है, आप सारा बिल्कुल भी मकान की सामान भर के लाए हो आप? हाँ, घर का सामान लाऊंगी, मुझे भगा दे घर से। तो परिवार में कौन कौन है आपके यहाँ? परिवार में मेरा ससुर है, 2 देवर है, 1 देहरान। वो लोग भी मारते हैं क्या? हाँ, मारपीट कर रहा हूँ। उनके मेरे ससुर के भाई है 4, उनके भी बच्चे लड़के सब मारपीट कर रहे हैं, बिल्कुल भगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तुझे कोई हिस्सा नहीं देंगे अभी जब तक काम आएंगे, उसके बाद में देखेंगे। मेरे पति का भी कोई इलाज नहीं करवाया है उनने, पति भी मारे हो, कह रहे हैं हम हिस्सा नहीं देंगे, तुम दूसरा कदम करके जाएगी। अच्छा, आपकी सुनवाई नहीं होती है तो इसी स्थिति में क्या करोगे? फिर क्या करोगे? सुनवाई नहीं लगा के मर रही हूँ यहीं पेट्रोल डाल के। शादी कब हुई थी आपकी? 14 साल हुआ, मेरी 3 बच्चे हैं। और आपके पति की डेथ कब हुई है? 3 महीना हो चले, कैसे हुई? कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, बिल्कुल एफआईआर भी नहीं कर रहा। आपके पति की मृत्यु कैसे हुई थी? मारपीट द्वारा हुई है। मारपीट के लिए घनश्याम से भरे है 5 लोग साइड किए हैं, और मेरे ससुराल वाले ने पहले तो मुझे वो 10 लाख रुपया दे रहा, तो मकान बनाने की बोली थी उनने, बच्चे की शादी की बोली, पढ़ाई की लिखाई की बोली, लेकिन आप कुछ भी नहीं दे रहा। वो बोला तू जा दुनिया में, तू आपको ससुराल वाले परेशान कर रहे थे, आपने थाने में शिकायत करी थी? हाँ, 10 बार कर चुकी हूँ। क्या हुआ? मारपीट कर और थाने में पूरा ही रिपोर्ट डाल गया, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी जैसे आप एसपी ऑफिस आए, अभी आपका आवेदन भी लिया, क्या कुछ कहा आपसे? नहीं, जो बोल रहे हैं जा तू थाने पे क्यों आई है घर से भगकर, मुझे धमका देते हैं, भगा देते हैं। अच्छा, जब तुम पूछ रही थी कि 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए कौन दे रहा था? घनश्याम से भरे। किस चीज की दे रहा था? वो मारपीट करे, वो बोला है मेरी क्या कहते हैं एफआईआर मत कटवा, तेरे को मैं 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, मकान बनवाऊंगा, तेरे बच्चे इन्हें पालूंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, साथ में रखूंगा, लेकिन आप वो उसकी रिपोर्ट बयान देगा मेरे पति, इसलिए मेरी मारपीट कर रहे हैं ससुराल वाले। और वो ऐसा तो नहीं ससुराल वाले इनसे मिल गए होंगे? मिल गए, मिल गए, घनश्याम से ही मिल गए। अभी उनने ही कहा कि 10 लाख रुपया ले ले, सब ले गए और मुझे घर से बाहर निकाल दे, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं होने रहे, बिल्कुल ही मारपीट कर 10 बार मार चुकी है जब से 3 महीना में। तो अब कहाँ जाओगे आप ये सामान खा? अरे मायके में जा रही हूँ मैं, कहाँ जाऊँगी? तीतरी के पास में कपड़ा आए हैं, यहीं पे 20 किलोमीटर आगे है। मेरे 2 बच्चे भी है मायके में ही, 3 महीना से अस्पताल में भी 1 महीना तक भर्ती हुई थी, कोई ससुराल वाले बिल्कुल खून कुनारी करता है, कोई एफआईआर नहीं काट रहे। ठीक है, मेरे तो दांत भी तोड़ गए थे।